गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो चलिए जल्दी से आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो जो है वो आप लोग को टाइटल देख के समझ आ ही गया होगा कि किस बारे में वीडियो है। बेबी केयर से रिलेटेड जो है वो वीडियो मैं आज बनाने वाली हूँ। बहुत ही छोटी सी वीडियो है, बहुत ही छोटी सी बात है, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, बट जो लोग न्यू पेरेंट्स हैं या फिर जिनके आसपास कोई बड़ा उन्हें गाइड करने वाला नहीं, उनके लिए बहुत ही बड़ा इशू हो जाता है। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि मैं क्या बात करने जा रही हूँ। मैं बात करने जा रही हूँ कि जो न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं उनकी स्पेशली जो टंग क्लीनिंग होती है वो किस तरह से करनी चाहिए, बिकॉज वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। वरना बच्चे को फंगल इन्फेक्शन वगैरह टंग पे माउथ में होने की बहुत ज़्यादा, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन, ये सब होने की बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं अगर आप प्रॉपर तरीके से न्यू बॉर्न बेबीज़ की जो है वो टंग क्लीनिंग नहीं करते हो, ठीक है। लेकिन उसमें कुछ बातें ऐसी हैं जो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की भी ज़रूरत होती है। तो सारी बातों के बारे में हम बात करेंगे। एंड सबसे ज़रूरी कि आपको डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ आप घर पर तो नहीं कर सकते हो, तो डॉक्टर के पास भी कभी कभी आपको जाना पड़ सकता है। तो हम बात करेंगे कि हमें कब जाना चाहिए टंग क्लीनिंग को लेकर डॉक्टर के पास बेबीज़ के लिए, ठीक है। तो सबसे पहली बात कि आपको क्लीन करते समय, जब आप अपने बच्चों की जो टंग क्लीनिंग है वो अगर आप डेली करते हो तो आपको कोई भी, आपके बेबी के माउथ में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आपको डॉक्टर के पास भी नहीं जाना पड़ेगा। आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात यही ध्यान रखनी है कि आपको डेली करना है। आपको ये नहीं करना है कि आज कर लिया फिर दो दिन बाद कर रहे हैं, इस तरह से बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आपको न्यू बॉर्न बेबीज़ की भी टंग क्लीनिंग जो है वो डेली कर देनी चाहिए, जिससे कि उनको कोई भी दिक्कत ना हो। दूसरी चीज़ कि आपको अपनी हैंड्स बिल्कुल क्लीन कर लेनी चाहिए, आपके नेल्स वगैरह कटिंग होनी चाहिए, नेल पेंट वगैरह नहीं लगा होना चाहिए, ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। उसके बाद आप एक वाइट कलर का हैंकी ले लीजिए, कॉटन का ले लीजिए, या फिर कोई जो मसलन क्लॉथ्स आते हैं यानी कि रेशम के जो कपड़े वगैरह आते हैं वो आप ले सकते हो, वरना आप कॉटन का ले लो, उससे भी बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है, ठीक है। कॉटन का कोई सॉफ्ट हैंकी ले लो, वाइट कलर का लो तो ज़्यादा अच्छा है, बिकॉज आप कलर वाला हैंकी लोगे तो उससे कलर जो है वो बेबी के माउथ में लग जाने का डर रहता है, ठीक है। तो आप इस तरह से अपनी एक फिंगर ले लीजिए, उसमें इसको अच्छे से राउंड राउंड इस तरह से लपेट लीजिए, एंड आप थोड़ा सा ल्यूक वार्म वाटर ले लीजिए। ध्यान रखिए ल्यूक वार्म वाटर आपको लेना है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, बिल्कुल से थोड़ा, अगर आप गर्म करके रख दो थोड़ा ठंडा हो जाए तो भी चलेगा, बट ल्यूक वार्म वाटर जो होता है वो परफेक्ट रहता है। एकदम आप उसमें उंगली डालो, आपको बिल्कुल भी जलने जैसा बिल्कुल फील ना हो। आपको बिल्कुल ध्यान रखना है हल्का सा गुनगुना पानी होना चाहिए, आप वो कर लीजिए और उसके बाद उसे अच्छे से डिप कर लीजिए हैंकी को अपने इसमें लगा के फिंगर में, एंड उसके बाद आप क्लीनिंग करिए। आपको ये ध्यान रखना है कि आपको बहुत अंदर नहीं जाना, आपकी सिर्फ इतनी सी उंगली बेबी के माउथ में जानी चाहिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा डेलिकेट होते हैं छोटे छोटे न्यूबॉर्न्स बेबी, तो आपको बिल्कुल बहुत अंदर उनके माउथ में घुस के क्लीनिंग करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है। आप जस्ट थोड़ी सी उनकी आगे आगे की टंग साफ कर दीजिए, आपको बहुत अंदर नहीं जाना होता, वरना वॉमिट वगैरह के बच्चों का डर रहता है, एंड कोई इंजरी भी हो सकती है, मतलब कोई चोट भी उनको लग सकती है अंदर अगर आप बहुत ज़्यादा अंदर कर रहे हो। तो आप इस तरह से करके आप धीरे धीरे से ऐसे ऐसे इस तरह से अगर आप करोगे ना आगे ही आगे से इस तरह से, तो वो पूरी उनकी जो गंदगी होगी ना, आप जब ल्यूकॉम वाटर यूज़ करोगे तो वो बिल्कुल साफ हो जाएगा एकदम अच्छे से। और अगर आप ये प्रोसेस डेली करोगे तो उनको कोई भी फंगल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। और दूसरी चीज़ आपको ये ध्यान रखनी होगी कि जब भी आप बच्चे के अच्छे से क्लीनिंग कर रहे हो तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आप आधे घंटे पहले उसको फीड वगैरह नहीं कराया हो, आगे आधे घंटे पहले उसने कुछ खाया, मतलब दूध वूध ना पिया हो, जिससे क्या होगा जब आप साफ करोगे तो कभी कभी बच्चों को वॉमिट्स होने लगती है। अगर आपका हाथ थोड़ा सा हल्का अंदर चला गया या बेबी कंफर्टेबल नहीं है तो बेबी को बहुत जल्दी से वॉमिट होने के चांसेस रहते हैं। तो अगर आप आधे घंटे पहले ही खिला पिला लो उसको, उसके बाद कुछ क्लीनिंग करो तो वो ज़्यादा बेटर रहता है, वॉमिट वगैरह भी नहीं होती है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ों का ध्यान रख के अगर आप अपने बच्चे की टंग क्लीनिंग अगर आप करते हो डेली तो आपको बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको डॉक्टर के पास कब जाने की ज़रूरत होती है मैं आपको वो भी बता दे रही हूँ। वैसे तो ये मैंने बहुत ही ईजी स्टेप बताया है, इससे आपको आपके बेबी को कोई भी हार्म नहीं होगा, क्योंकि आप कोई भी हार्मफुल चीज़ नहीं ले रहे हो। तो अगर आप इस तरह से डेली क्लीनिंग करते हो तो आपको डॉक्टर के पास कभी नहीं जाना पड़ेगा। बट कुछ लोग जो है वो डेली क्लीनिंग नहीं करते हैं तो वो सोचते हैं कि हम डॉक्टर के पास चले जाएं। तो ऐसे में कब जाना चाहिए, जब आपको आपके बेबी की टंग पर कुछ ग्रीन ग्रीन कलर सा दिख रहा हो या फिर कुछ ब्लू ब्लू कलर सा दिख रहा हो, तब आपको समझना चाहिए कि आपके बेबी के माउथ में कुछ भी जो है टंग है उसमें कुछ दिक्कत हो रही है, कोई इन्फेक्शन सा बन रहा है, तब आपको ज़रूर अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि क्या दिक्कत हो रही है। वो आपको बताएंगे कि आपको कोई
मेडिसिन लेने की ज़रूरत है या नहीं, या फिर आप किस तरह से क्लीनिंग करोगे, वो आपको पूरे प्रॉपर तरह से गाइड कर देंगे। उस बारे में मैं आपको कोई भी वो नहीं दे सकती हूँ, बिकॉज मेरा ऐसा कोई एक्सपीरियंस भी नहीं रहा है, क्योंकि मैं अपने बच्चे को डेली जो है वो एक साल तक इसी तरह से मैंने उसकी टंग क्लीनिंग करी है, कोई भी दिक्कत नहीं हुई है। ठीक है, तो आई थिंक कि मैंने आपको सब कुछ ईजी वे में बता दिया है, बट फिर भी कुछ रह गया, आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में बता सकते हो। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो, यूज़फुल लगी हो, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करना और कमेंट ज़रूर करना कि आप अपने बेबी की जो टंग क्लीनिंग है वो किस तरह से करते हो। इस तरह जैसे मैंने बताया, आप 1 ईयर तक इजीली इस तरह से क्लीनिंग कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है। सब्सक्राइब करने के लिए आपके स्क्रीन पर रेड कलर से सब्सक्राइब लिखकर आ रहा होगा, आप उसे टच करोगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा एंड सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है। और बेल आइकन जरूर हिट कर दीजिएगा जिससे कि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। ठीक है, तो जल्दी मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।